नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति महत्वपूर्ण राजनीति का प्रश्न इसलिए क्योंकि अगर केंद्र की कुर्सी को हासिल करना है तो रास्ता केवल उत्तर प्रदेश, और इसलिए उत्तर प्रदेश में हर एक चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, चाहे वो उपचुनाव हो और चाहे आम चुनाव हो और चाहे निकाय चुनाव हो, सबके लिए यहाँ तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं। और तैयारियों का दौर इस कदर है कि सत्ता पे बैठने वाली पार्टी यानी बीजेपी भी हर एक चुनाव को लेकर बड़ी संजीदगी से काम करती है, रणनीति बनाती है। एक एक चुनाव पर 40-40 प्रचारक उतार कर बीजेपी स्पष्ट कर देती है कि उनके लिए कोई भी सीट कमजोर सीट नहीं है, साधारण सीट नहीं है, हर सीट महत्वपूर्ण है। और ऐसा हम कई जगह देख चुके हैं, चाहे रामपुर का लोकसभा चुनाव की बात करें, आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव की बात करें, वहाँ दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। वो आजमगढ़ जहाँ पर 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का क्लीन स्वीप कर दिया था, यानी 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में आई थी। और उसके बाद जब वहाँ पर लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, दिनेश लाल यादव निरहुआ वहाँ से सांसद बने। इसके बाद चर्चा में अगर हम बात करें तो मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव, रामपुर का विधानसभा उपचुनाव और खतौली का विधानसभा उपचुनाव चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि मैनपुरी वो सीट जो सपा के परोड़ा और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई, संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनाव होना है और वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा रामपुर आजम खां की सीट जहाँ पर सजा मिलने के बाद सीट रिक्त हुई, और रिक्त होने के बाद वहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी से आकाश सक्सेना और समाजवादी पार्टी से आसिम रजा मैदान में हैं। तो खतौली जो विक्रम सिंह सैनी की सीट रिक्त होने के बाद जहां पर उनकी धर्मपत्नी राजकुमार सैनी चुनाव में है, और सपा और रालोर से मदन भैया चुनाव में उतरे हुए हैं, मैनपुर चुनाव। और साथ ही साथ चुनाव में चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी। आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसा कि कभी पेंडुलम की बात होती है तो कभी फुटबॉल की बात होती है। खैर, देश की राजनीति हो भी ऐसी गई है, बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े बयान, कोई रावण कहता है, कोई गंदी नाले का कीड़ा कहता है, कोई हिटलर बोलता है तो कोई मौत का सौदागर बोलता है। वो भारतीय राजनीति जो कभी स्वच्छता के लिए जानी जाती थी, अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती थी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और अब एक दशक से हम देख रहे हैं इस तरह से बयानबाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शर्म शायद जनता को आने लग जाए, पर इन राजनेताओं को शर्म नहीं आएगी। उनका कहना है सठे साठ्यम समाचारे, यानी जैसा हम पे जो बोलेगा हम उनको वैसा ही जवाब देंगे। फिलहाल यही स्थिति चल रही है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी हाल में जो घटनाक्रम हुआ है कि शिवपाल सिंह यादव प्रसपा प्रमुख, उन्होंने अपने भतीजे को हाँ बोल दी, जुड़ गए और उसके बाद चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और जैसे ही वहाँ जुड़ाव हुआ तो यहाँ पर खटास हुई, और खटास का खामियाजा ये है कि जो जेड श्रेणी सुरक्षा थी वो बाइक पर आ गई है, और सुनने में आ रहा है कि अब शायद सीबीआई भी पूछताछ कर सकती है और बंगले पे भी संकट आ सकता है, बंगला जो दिया गया था। तो फिलहाल राजनीति है, और सुनने में यह भी आ रहा है कि धर्म सिंह सैनी भी अब सपा छोड़कर दोबारा भाजपा में जा सकते हैं। क्यों जाएंगे, कारण क्या है, ये तो भाजपा भी जानती है और धर्म सिंह सैनी जानते हैं, शायद हम जैसे खबरन बीसों को भी पता है कि कारण क्या है। खैर, महत्वपूर्ण चर्चा में शायद आपको मेहमानों से रूबरू करा दूँ, क्योंकि चर्चा महत्वपूर्ण, बात कर रहा हूं आपको। यहां प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव पर पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता प्रसपा से सत्यजीत अटवारा पर पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से प्रदीप सिंह पर पक्ष रखेंगे, प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी पर पक्ष रखेंगे, और प्रवक्ता रालोट के रूप में यहां पर वेद प्रकाश मिश्रा पर पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहां पर जो पहला हमारा सवाल रहेगा वो रहेगा विवेक भाई से। विवेक भाई, भाई आप तो हर चुनाव को बड़ा संजीदगी से लेते हैं, पर इस तरह से जिस तरह से वहाँ पर व्यवस्था हो रही है और आरोप लग रहा है कि यहाँ पर अब सिप्पल अलग हो गए हैं तो बंगले की भी बात चल रही है, सीबीआई की बात भी चल रही है, और कहा जा रहा है कि अब सुरक्षा श्रेणी तो उनकी कम हो ही गई है, जेट से बाई पे आ गई है, तो क्या है क्या वहाँ, अगर यहाँ दोस्ती कम हुई तो यहाँ पर दुश्मनी बढ़नी शुरू हो गई, भाई आरोप तो ऐसे लग रहे हैं। गौरव जी, राजनीति में चुनाव का समय है, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, ना तो जांच
उनके ऊपर आज से चल रही ना उस जांच में आज उनका नाम आया, बहुत पहले से उनका जांच में नाम चल रहा जी। रिवर फ्रंट घोटाले में वो बहुत दिन से उनका नाम है और जांच चल रही है जी। दूसरा, सुरक्षा बढ़ाने घटाने का भी निर्णय कमेटी करती है जी, उसमें तमाम एजेंसियों के अधिकारी शामिल होते हैं, उनकी रिपोर्ट पे इस तरह के फैसले होते अच्छा, हैं। अच्छा अच्छा, ये कोई पंजाब की सरकार नहीं है, अच्छा आम आदमी पार्टी की, राजनीतिक दल के कार्यालय में तय हो जाए कि अमुक व्यक्ति को सुरक्षा देनी है, अमुक को अच्छा, हटानी है। अच्छा, पर ये अभी क्यों हो गया जब वहाँ पर प्रचार शुरू कर दिया? नहीं, ये एजेंसियों की रिपोर्ट पे होता आता है। अच्छा, चलो ठीक है। प्रदीप भाई मुस्कुरा रहे हैं, हमारे कोई बता के मुझे कोई इस तरह की जानकारी नहीं अभी है। अच्छा, तो जब तक ऐसा कोई निर्णय ना आ जाए तब तक उस पर चर्चा करना अच्छा उचित नहीं होगा। अच्छा, रही बात उनके अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होने से या ना खड़े होने से, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना लादना नहीं है। अच्छा, कई अवसरों पे उन्होंने स्वयं अपने भतीजे की खिलाफ बयान दिए हैं। इस दिन डिंपल जी का टिकट घोषित तो उसी दिन उनका बयान था कि अखिलेश यादव चाटकारों से घिरे हुए हैं। अच्छा, अब किन परिस्थितियों में फिर वो चले गए मंच पे, क्या उनका है, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। अच्छा, इस उनके जुड़ने से, अलग होने से, उनकी इस मोहब्बत से, इस तलाक से भारतीय जनता पार्टी कोई लेना लादना नहीं। अच्छा, रही बात चुनाव की, तो चुनाव उपचुनाव है, मैनपुरी में लोकसभा का, रामपुर में विधानसभा का और खतौली में विधानसभा का जी। ये तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपनी डबल इंजन की सरकार की ताकत पे अच्छा। और अपने नेताओं के चेहरे के साथ जाती है। हमारे पास जैसे अभी आपने कहा कि 40-40 प्रत्याशी प्रचारक उतार दिए हैं, जो चुनाव आयोग की सीमा है, हमारे पास नेता हैं, वक्ता हैं, बोलने वाले हैं, हम उसकी पूरी सूची बना करके देते हैं, हमें अनुमति मिलती है और हमारे लोग जाते हैं। राजनीतिक दल का व्यक्ति, चुनाव राजनीतिक दलों के लिए त्यौहार का होता है, चुनाव में हम अगर प्रचार में नहीं जाएंगे तो करेंगे क्या भाई? हम राहुल गांधी तो है नहीं कि चुनाव छोड़ करके भारत जोड़ो यात्रा लेकर के घूम रहे हैं जी। हालांकि भारत जोड़ों से ज़्यादा वो कांग्रेस जोड़ने का काम करते बेहतर होता, भारत तो कहीं से टूटा नहीं है। विषय ये है कि हम राजनीतिक दल के रूप में चुनाव को बहुत संजीदगी से, बहुत गंभीरता से लेते हैं जी। और हम पूरे तन मन धन पूरी तत्परता से चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है, चूँकि हम जनता जनार्दन के बीच 365 दिन 24 घंटे उनके बीच विद्यमान रहते हैं। अच्छा, ठीक है, विद्यमान रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं। प्रदीप भाई मुस्कुरा के बताएंगे। खैर, दोबारा जी भाई, यहाँ पर तो जहाँ जुड़ाव हुआ तो यहाँ अगर प्रेम बढ़ा तो वहाँ पर थोड़ा सा निकल से दिक्कतें होनी शुरू हो गई है और श्रेणी भी कम तो हो ही गई है और यहाँ पर शायद अब CBI की जो अब तक फाइल मेरे ख्याल से जिस अब तक कार्रवाई की श्रेणी में नहीं आ रही थी, शायद श्रेणी में आ रही थी। और साथ ही साथ यहाँ भी कहा जा रहा है कि जो कार्यालय यानी मंगला अभी उस पर भी कुछ फैसला आ सकता है राज संपत्ति विभाग का, कैसे देखते हैं यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद। अच्छा, उम्मीद थी, चलिए ठीक है। शुचिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, धर्म ध्वजा को लहराने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, ये धर्म ध्वजा लहराने की बात तो करते हैं लेकिन अनित पर चलकर धर्म ध्वजा को लहराना चाहते। अच्छा, क्या आप सिर्फ खड़यंत्रों से धर्म ध्वजा लहराएंगे? क्या इनके खड़यंत्र अब धर्म ध्वजा के वाहक बनेंगे? अच्छा, देखिए स्पष्ट कर दूं जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव वो शख्सियत हैं जिनको 40 वर्षों का लंबा अनुभव है जी, और उत्तर प्रदेश में कई सरकारें उन्होंने बनाई हैं, बिगाड़ी हैं, चलाई हैं जी, और 25 साल तक सरकारों में रहे। अच्छा, तो ऐसा तो है नहीं, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं और ये लोग भी मानते होंगे। अच्छा, हमारे प्रबुद्ध भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस बात को मानते होंगे। अच्छा, कि लंबे समय तक सरकारें उन्होंने चलाई है, एक लंबा राजनीतिक करियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मानते हैं इस बात को। अच्छा, देखिए स्पष्ट है कि जब मैनपुरी का चुनाव चल रहा था ठीक, तो उस चुनाव के दौरान ही सुरक्षा वापस करना, क्या यह जनता के बीच में अच्छा संदेश जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बुद्धि कहां चली गई, यही मेरे समझ नहीं आता। अच्छा, अब अभी भाई साहब कह रहे हैं जी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एजेंसी का काम है, उसका पैनल बैठता है, जांच होती है, रिपोर्ट जाती है, बिल्कुल जाती उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई या घटाई जाती है जी। देखिए एजेंसियों का दुरुपयोग जब आप करोगे तो ना कोई जांच ना कोई पड़ताल। अच्छा, आपने तो एजेंसियों का दुरुपयोग करने की ठान रखी है जी, आपने तो तय कर लिया है
जी ईडी मेरे पास रहेगी, सीबीआई मेरे पास रहेगी, पुलिस मेरे अरे ये पास क्यों बोल रहेगी, रहा है, आयकर ईडी विभाग इनके मेरे पास पास रहती है, रहेगा। इनके पास कैसे सीबीआई, बीजेपी के है सीबीआई क्या, वो तो दुरुपयोग सरकार जब ही है। हाँ सरकारें सरकारें जब इन इन चीजों का दुरुपयोग करती हैं, इन जी संस्थाओं का दुरुपयोग करती हैं, जी तो उस स्थिति में संस्थाएं बंधक बन जाती हैं। अच्छा क्या सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है संस्थाओं को बंधक बना के चलना चाहती है? अच्छा और क्या इनका दुरुपयोग करना चाहती है? क्या दुरुपयोग ही नहीं, क्या ये पूरी तरीके से उस स्थिति में जा रहे हैं जहां विपक्ष को समाप्त कर देने की ठान रखा है कि हम लोकतंत्र ऐसा बनाएंगे भारत का जिसमें विपक्ष रहे ही ना? अरे विपक्ष कहां समाप्त हो गया, 47 से 111 पे आ गए। आप इसको जान सकते हैं। अच्छा। आप इसको जान सकते हैं कि बगैर विपक्ष के, अच्छा, चाहे मैं सत्ता में रहूं, बिल्कुल, और चाहे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आ जाए, चाहे वो सत्ता में रहे मैं विपक्ष में आ जाऊं, लेकिन गौरव जी कोई भी लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र, अच्छा, तभी माना जाता है जब विपक्ष की भूमिका अहम होती है। और अच्छी बात कही आपने, होता है। विपक्ष है कहाँ, विपक्ष धरातल पे है नहीं, चुनाव में नजर आता है, मैं जो केवल चुनाव आते तो विपक्ष नजर आता है, वैसे यही तो दुर्भाग्य है। हाँ यही तो दुर्भाग्य है गौरव जी, जी कि आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जी जब ये कहेंगे कि विपक्ष है नहीं केवल चुनाव में नजर आता है, बिल्कुल बिल्कुल कहूंगा भाई, तो क्या जनता क्या के लिए जनता के लिए मुद्दे पे अगर होगे, धरातल पर संघर्ष नहीं होगा, केवल ट्वीट की राजनीति होगी, तो हम जैसे खबर भी काम ही यही है कि हम तो कहेंगे विपक्ष नजर नहीं आता है। संघर्ष कहां नहीं होता, किन जगहों पे आपने संघर्ष नहीं देखा? शिवपाल सिंह यादव ने संघर्षों के बल पर ही जमीन तैयार की है और समाजवादियों का संघर्ष का इतिहास रहा है। अभी की बात कर रहा हूँ अटवारा जी, अपनी भूमिका बनाई है, मैं तो अभी की बात कर रहा हूं, समाजवादियों के संघर्ष की वजह से हुई है। अभी की बात कर रहा हूँ, अभी की बात, क्या आपको गौरव जी क्या आपको शिवपाल सिंह, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के अंदर संघर्ष नहीं दिखाई पड़ता? बिल्कुल नजर आता है। माननीय मुलायम सिंह यादव संघर्ष के बल पे नहीं खड़े? अभी की बात कर रहा हूँ तुम्हारा जी, आप ऐसे शख्सियत की बात कर रहे हैं गौरव जी, जी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव को कह रहे हैं कि वो संघर्ष कर, नहीं नहीं ये मैं नहीं कह रहा, आप मेरी बात नहीं सुनी। अरे गौरव जी, आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग के लोग, आप जैसे आप बड़े चैनल के पत्रकार हैं, तो आप जैसे पत्रकार ये कहेंगे, दोबारा जी मेरी बात सुन लीजिए, संघर्ष करना मैं क्या कह रहा हूँ, ये संघर्ष मुझे अब नजर नहीं आ रहा। गौरव जी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव वो शख्सियत है, हाँ, जो अपनी जमीन संघर्षों के बल पे खड़ा किए हैं, ठीक है, आप उनके संघर्ष को चुनौती देते हैं, आप उनके संघर्ष पर प्रश्न लगाते हैं। अटवारा जी पहले मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप ही बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूं? गलत है ये। सुनिए, मैंने ये कहा कि 2022 के चुनाव, सुन लीजिए, 2022 के चुनाव के बाद विपक्ष हमको धरातल पर नहीं दिखाई दिया, ये मेरे पास पुष्टि है, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। 111 सीटें वो तो आपको चुनाव लड़े हैं, आप लोग चुनाव लड़े हैं, आप लोग बड़े बड़े मामले हो गए, कोई आया नहीं, बड़े बड़े मामले हो, कोई नहीं आया, लखीमपुर की घटना के बाद कोई नहीं आया। हम 2,95,00,000 वोट कहां से पाए अगर हमारा जनाधार न होता, हमारा संघर्ष न होता? 22 के चुनाव के बाद विपक्ष नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने कहा। क्यों नजर नहीं आता आपको जी? खबर नवीसों को क्यों नहीं नजर आता? अच्छा पत्रकारों को क्यों नहीं नजर आता? जब धरातल पर उतरेंगे तब तो नजर आएगा तुम्हारा जी। क्या भारतीय जनता पार्टी का चश्मा गौरव जी आप लोगों ने भी पहन लिया? हमने नहीं लगाया है, हमारा चश्मा भाई है, मेरा चश्मा भाई है। आप सिद्ध करिए तब धरातल पर उतरे हैं, आप सिद्ध करिए धरातल पर उतरे हैं, आप सिद्ध करिए ना। संघर्ष के कैसे 2,95,00,000 वोट आपको वोट मिला है? मैं नहीं कह रहा हूँ, 2000 सत्यजीत भाई मेरी सुनिए, 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद, 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सक्रियता नजर नहीं आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ जी। फिर वही बात जी, चुनाव हो रहा है, मेरी मेरी मैं मैदान में नहीं हूँ। आप है मैदान में, देखिए तो संघर्ष कहाँ है जो चुनाव लड़ रहे हैं भाई? जी एक मिनट का समय दीजिए, बोलिए एक मिनट का, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूं, उसके बाद जिसको मौका देना होगा दीजिएगा। बोलिए एक मिनट हमें आप कहिए। जी बोलिए। हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? जी आरोप नहीं लगा रहा, बात बता रहा हूँ। नहीं नजर आते जी, रुक सुन ले तो सुन ले। हाँ बोलाइए बोलाइए। यही आरोप अगर कांग्रेस के ऊपर लगाते, यही आरोप अगर भारतीय जनता, अगर बहुजन समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाते, मैं सबको लगाता हूँ, वो बैठे उनको भी लगाता हूँ, उनको ही बोलता हूँ, उनको ही बोलता हूँ, उनको ही बोलता हूँ भाई। मैदान छोड़ के भाग चुकी है। अरे लो आप कांग्रेस पे आ गए, हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग। चले ठीक है ठीक है ठीक है, आप संघर्ष, ठीक है ठीक है, आप लोग मैदान में, ठीक है आप लोग मैदान में हो, ठीक है हमें मुकाबला, चले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप संघर्ष करें, ठीक है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी भाई, यहाँ बहुत मेहनत चल रही है, हम देख रहे हैं लगातार सपा के लिए माहौल बनाने के पूरा प्रयास चल रहा है, वो आप भी मैन पूरे पूरे डटे हुए हैं, पर जिस तरह से यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी के साथ हो रहा है ये कैसा है? यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि ये एजेंसी बताती है, ये व्यवस्थाएं हैं,
चाहे बंगले की बात हो, चाहे कार्यालय की बात हो, चाहे सीबीआई के जो रिवर फ्रंट घोटाले के मामले की जांच हो, कैसे देखते हैं आप? आपसे जुड़ाव हुआ तो वहां बेखराब हो गया, ऐसे देखते हैं या फिर एक सतर्क प्रक्रिया है विवेक श्रीवास्तव जैसा बोले हैं? उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने चार मुख्यमंत्री दिए। अच्छा, चार मुख्यमंत्री, जहाँ तक मेरा सामान्य ज्ञान है। जी बिल्कुल। माननीय कल्याण सिंह के रूप में, माननीय राजनाथ सिंह के रूप में, माननीय रामप्रकाश गुप्ता जी के रूप में, और चौथे के रूप में माननीय योगी जी को देखते हैं, जो चौथे मुख्यमंत्री। जी। लेकिन जब वो मैनपुरी की धरती पर आते हैं जी, तो वो वोट मांगने का काम अगर करते तो माननीय कल्याण सिंह जी के काम पे करते, माननीय राजनाथ सिंह के नाम पे करते, माननीय रामप्रकाश गुप्ता जी के नाम पे करते, या अपने नाम पे, अपने काम के नाम पे करते। लेकिन बड़ा दुख का विषय हुआ कि चार चार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को दिए, लेकिन एक भी नेता के नाम पे योगी जी ने वोट नहीं मांगे। वो केवल केवल हमारे समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेता जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे वोट मांग के चले। अच्छा, ये बड़ी त्रासदी है उत्तर प्रदेश के लिए। अच्छा। कि अपना कोई कार्यकाल, कोई नेता इनके पास नहीं है। आप मेरी बात पे विश्वास मत करिएगा, आप बाइट उठा लीजिएगा गौरव जी, जब ये मैनपुरी में आए थे तो क्या बाइट ये देखे गए? इन्होंने नेताजी के नाम पे वोट मांगे नहीं मांगे? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप उस पर जो मुकदमा करना चाहे वो कर दीजिए। क्यों गलत कहिए? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। राज्य शासकार कानून का ठीक ठाक विद्यार्थी रहो, पढ़ने लिखने वाला, कोई संशय नहीं रहो, कोई संशय नहीं जोशी जी, बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। अब ये बात देश के संबंध में बात आ गई है कि जो भी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा तो वह बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र। अच्छा, उस पर कोई जांच नहीं होगी, उस पर कोई उसको अच्छे बंगले दे दिए जाएंगे, उस पर कोई जांच नहीं होगी। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाएगा या इनके पर प्रश्न करने लगेगा, अच्छा, उस पर जांच भी होगी, बंगला भी हटा दिया जाएगा। अच्छा। और सुरक्षा भी कम हो जाएगी। ठीक। ये कोई आम चलन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने एक नया मापदंड तय करा है। अच्छा। उत्तर प्रदेश और देश में एक नया सिनेरियो फिट है। मैं आप ही के चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर इस तरह की बदले की कार्रवाई सरकारों का रुख बन जाएगा तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ लोकतंत्र और संविधान खतरे में आ जाएगा, जैसा कि हम आजकल महसूस कर पा रहे हैं। और ये आपकी बातें सारी सत्य है कि जैसे जैसे माननीय शिवपाल जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने साथ लड़ने का चुनाव का फैसला करा, और माननीय शिवपाल जी ने कहा कि 2024 में हम और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे, तो केवल केवल भाजपा को के नीचे से जमीन खिसक गई। अच्छा। और उनको लगता है कि ये जमीन खिसक गई आपकी, पूरे उत्तर लेता हूं जवाब आपका, मैनपुरी से, मैनपुरी से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से इनकी अब जमीन खिसकने जा रही है। ये इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। ठीक है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ के चुनाव के परिपेक्ष, लास्ट बात कह के बात को रखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं मैनपुरी में पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ मैं जी, और मैं इतना गंभीरता से कहना चाह रहा हूँ, आप तो लगातार गौरव भाई जुड़े रहते हैं, ये तो आप एक पॉलिटिकल देखता रहता हूँ आपका व्यक्ति भी है। हाँ, तो मैं आपसे मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, यहाँ का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेज जनता हो गया है। अच्छा। और ये जनता जो मैनपुरी की है, अपने नेता श्रद्धेय हम गुणमान्य नेता मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि स्वरूप अपनी आखिरी श्रद्धा सुमन के रूप वोट के रूप में देने के लिए 5 तारीख को लड़ाई तय, और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि माननीय डिंपल यादव जी मैनपुरी से ऐतिहासिक विजय बना रहे। ठीक ठीक। हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में प्रदीप जी है बैठे। प्रदीप जी भाई, यहाँ पर तो सत्यजीत भाई बोल दिए कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, मैदान में ही नहीं है, और वो हम ही से नाराज होकर उन्हें सीधा कह दिया कांग्रेस नहीं है और सपा और बसपा तो संघर्ष कर रही है। भाई मैं तो मुद्दा उठाते रहता, तो मेरा तो काम ही है, जहाँ पर मेरी बात समझ में आएगी मैं तो हर उस राजनीतिक व्यक्ति का मुद्दा उठाऊंगा, अगर गलत है तो भी, सही है तो भी। खैर प्रदीप भाई क्या कहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल। लेकिन हम इससे पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तमाम बातें कही। हाँ। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा शिवपाल जी की, आदरणीय शिवपाल जी की सुरक्षा इसलिए घटाई गई कि उन्हें पहले सरकार को लगा, एजेंसियों को लगा कि सुरक्षित ज्यादा है। हाँ। तो उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। हाँ। अब आप कम असुरक्षित है तो वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इस बात की जानकारी थी। फिर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य
शर्मा जी का बयान शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सुना नहीं या फिर जानकारी के अभाव में इस ये भाषा बोली। उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि चचा का झगड़ा मुख्यमंत्री अखिलेश जी से ज्यादा था, इस तब तक उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, झगड़ा कम हो गया तो वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। हम ये कहते हैं कि सरकार ये बताए कि आप लोगों की सुरक्षा के मानक को देख कर सुरक्षा व्यवस्था देते हैं या फिर आपकी मेहरबानियां होती हैं, आप तय करते हैं कि इस नेता को कैसी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, इन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। और जहां तक रही पेंडुलम की बात, हम ये कहना चाहते हैं पेंडुलम के बारे में मुख्यमंत्री जी वैसे तो अपनी अपने अराजक भाषण के लिए कुप्रसिद्ध है पूरे प्रदेश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और ये पहले व्यक्ति नहीं है। देश भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर चाहे श्री नरेंद्र मोदी जी हो और फिर चाहे योगी जी हो, चाहे जर्सी गाय की मामला रहा हो, चाहे आज का मामला रहा हो, इनके बड़े बड़े नेताओं के अराजक बयान देश की जनता सुन चुकी है। लेकिन चूंकि ये विज्ञान के विद्यार्थी नहीं रहे हैं इसलिए पेंडुलम के बारे में जानते नहीं है। पेंडुलम के बारे में अगर जानते होते तो कम से कम पेंडुलम का उदाहरण तो मुख्यमंत्री जी नहीं देते। पेंडुलम हमेशा सही समय की जानकारी देता है, पेंडुलम नहीं होगा सही समय की जानकारी नहीं होगी, मुख्यमंत्री जी इस बात को जानते नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, हम उनकी बात को भूल जाना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं, हम प्रसपा के प्रवक्ता अतवारा जी की बात करना चाहते हैं। अतवारा जी ने ये कहा कि कांग्रेस फाइट से बाहर है, माननीय आप ये जान लीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसी भी उपचुनाव से ना तो विधानसभा का में कोई परिवर्तन होने जा रहा था ना लोकसभा में, हम विपक्ष के वोटों का बंटवारा ना हो इसलिए हमने विपक्ष का वोट संगठित रहे और भारतीय जनता पार्टी लगातार आज किसानों के विरुद्ध काम कर रही है। बिल्कुल किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, नौजवानों के सामने लाठियां चला रही है। ऐसी सरकार, ऐसी अराजक सरकार को एक माकूल लोकतांत्रिक जवाब मिलना चाहिए, इसलिए यह मौका दिया गया। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तमाम और तरह की बातें कर रहे थे, तमाम जिस तरह की अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारत जोड़ो पे बात कर रहे थे। मान्यवर, भारत जोड़ो हमने क्यों किया? आप ये कहते हो गुजरात नहीं गए, गुजरात राहुल आदरणीय राहुल गांधी जी गुजरात दो रैली करके आदरणीय राहुल गांधी जी गुजरात गए जी। और जब भारत जोड़ो की आवश्यकता देश को क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी, जब आप किसान सड़क पे होता आप उसे आतंकवादी बताते हो, आप उसे देशद्रोही बताते हो। जब दिल्ली की सड़कों पर किसान कूच कर रहा होता है तो आप उनके सामने कांटे बिछाते हो, गंदे पानी उन पर फेंकते हो, इसलिए आज भारत जोड़ो की जरूरत पड़ती है। जब गृह राज्य मंत्री देश का ये कहता हो, किसानों से कहता हो तुम मेरी तुम्हारी औकात बता दें, तुम्हारी हैसियत नहीं जानते हो और आज भी वो गृह राज्य मंत्री हो, तो भारत जोड़ो की आवश्यकता पड़ती है। भारत जोड़ो की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि पूरी की पूरी सरकार एक बलात्कारी विधायक के साथ उनको संरक्षित करती हुई खड़ी नजर आती है, तो भारत जोड़ो की आवश्यकता पड़ती है। जब विद्यार्थी सड़कों पर आंदोलन कर रहा होता है रोजगार के लिए, आप उन पर लाठियां चलाते हो, तो निश्चित तौर पर भारत जोड़ो की आवश्यकता पड़ती है। और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश का नौजवान निकल पड़ा है भारत जोड़ने के लिए। आप जैसी शक्तियां जो नौजवानों के खिलाफ है, जो किसानों के खिलाफ है, जो बेरोजगारों के खिलाफ है, इनको धता बताते हुए निश्चित तौर पर एक नई बयार चल रही है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत जोड़ो चल रही है। आप चाहे जितनी नफरती बयानबाजी कर ले, देश भारत जोड़ो अभियान के तहत नौजवान निकल पड़ा विकास की तरफ, भारत जोड़ने की तरफ। प्रदीप भाई, दो सवाल मेरे आपसे जरूर रहेंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा में ख्याल से पहले हो जाती, अगर 22 मार्च से पहले हो जाती हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में कुछ परिवर्तन आ जाता या परिणाम कुछ बेहतर हो जाते, या हो सकता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है इसके परिणाम कुछ बेहतर आए क्योंकि राजस्थान चुनाव भी है अगले साल, इसके अलावा गुजरात में भी चुनाव है। कैसे देखते हैं चुनाव को? बात चुनाव की नहीं है, भारत जोड़ो देखिए बात चुनाव की नहीं जी। जब देश का किसान जी एक ऐसे काले कानून पे जिसको फायदा होना है वो कहता है मुझे फायदा मत दो जी, मुझे फायदा मत दो, सरकार के नहीं नहीं लेके रहो लेके रहो, नहीं लाठी चलाएंगे, गोली चलाएंगे, आतंकवादी कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे। जब ऐसा जिसको फायदा होना है वो कह रहा भैया नहीं हमें फायदा नहीं चाहिए, सरकार नहीं फायदा लेना पड़ेगा, नहीं लाठी चलाएंगे, गोली चलाएंगे, गंदा पानी चलाएंगे। और जब आप इसके अलावा इतना ही काम नहीं चलता, आप उन्हें आतंकवादी कहने लगते हो, आप उन्हें देशद्रोही कहने लगते हो। देश का विद्यार्थी नौजवान जब सड़कों पर रोजगार की बात करता है तो आप उन पर लाठियां चलाते हो, और इतना नहीं, पिछली सरकार की एक भी वांट आप बताइए, आप लगातार आपने बहस कराई है घोटालों के भेंट के बगैर एक भी वांट निकल गई हो तो बता दीजिए, तब भारत जोड़ो की आवश्यकता पड़ती है। भारत जोड़ो की आवश्यकता तब पड़ती है चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारतीय जनता पार्टी के नेता नफरती बयानबाजी करते हैं, तब भारत जोड़ो की आवश्यकता पड़ती है। ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये देश को जोड़ने का आंदोलन है, देश की गंगा जमुनी तहजीब को आगे ले चलने
का आंदोलन है, निश्चित तौर पर देश का नौजवान, देश का आम नागरिक, देश की महिलाएं इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और निश्चित तौर पर भारत आगे बढ़ता हुआ, भारत जोड़ो करता हुआ चल रहा है। निश्चित रूप से 150 दिनों के बड़ा आंदोलन, बड़ी यात्रा है। हमारे साथ वेदप्रकाश मिश्रा यहाँ से रालोद से जुड़े हुए हैं। वेदप्रकाश जी भाई, आपका तो वहाँ पर संयुक्त उम्मीदवार है खतौली में मदन भैया, आपका और सपा का, आज मुख्यमंत्री भी वहाँ गए थे और तमाम वहाँ पर उन्होंने बातें कही हैं। प्रभाव, उनका कहना है प्रभाव पड़ेगा और प्रभाव से यहाँ पर खतौली, रामपुर और मैनपुरी तीनों जीत रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? बैठ जी, सर उनका संपर्क कट गया है। बेबे भाई जवाब दीजिए आप। देखिए गौरव जी, जी अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि वहाँ मुख्यमंत्री जी गए जी, उन्होंने मुलायम सिंह जी के जी नाम पे वोट मांगा जी। जब समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह जी ने की और अपने पसीने से मेहनत से सींच करके यहाँ तक ले आए जी, ठीक है हमारी उनकी राजनीतिक मतभिन्नता है जी, लेकिन नेता के रूप में हम सभी उनका सम्मान करते बिल्कुल सम्मान करते हैं जी, और हमारे सारे नेताओं ने उनको जाकर के वहाँ श्रद्धांजलि दी बिल्कुल दी। लेकिन जो जीवित रहते उनका सम्मान नहीं किया, अखिलेश यादव किस तरीके से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से पदच्युत किया, इस तमाशा पूरे देश ने देखा है, कोई चैनल ऐसा नहीं होगा जिसने इस तमाशे को ना दिखाया हो। चाचा का अपमान तो ठीक है, चाचा अपमान का घूट पी करके फिर वहां जुट गए, वो अलग उनका विषय है, उस पर कोई चाचा उनके भी जो परिवार लेकिन, लेकिन पिता का जिसने अपमान नहीं, सम्मान नहीं किया और औरंगजेब की तरह जिसने उनको उस कुर्सी से हटा दिया, वो आज व्यक्ति उन्हीं के नाम पे वोट मांगता दिख रहा है। तो अगर नहीं बिल्कुल क्यों ये कौन शब्दावली है, क्यों शब्दावली नहीं, आप ये जो तमाशा पूरे देश ने देखा है उस तमाशे को आज वहाँ पे अगर कोई याद कर रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। और ठीक है मुलायम सिंह जी का सब सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, अगर उनके सम्मान हम करते हैं वहाँ पे तो इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और जो आज उनके मुलायम सिंह के नाम की दुहाई दे रहे हैं उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने जीवित रहते उनका सम्मान किया, किस तरह से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया। हमारे भी मित्र कांग्रेस के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग क्या कर रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कौन सी भारत जोड़ो यात्रा हो राहुल गांधी की चल रही है, ये सारी चीजें प्रश्न के दायरे में है। लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन ही इसमें फैसला करती है। बहुत दिन दूर नहीं है, जिसको जहां से यात्रा करनी यात्रा करे, जिसको जहां से जिसके साथ मिलकर के वोट मांगना है वोट मांगे, उपचुनाव के भी परिणाम आ जाएंगे, जहां जहां से यात्रा गुजरी वहां भी भविष्य में चुनाव होंगे। तमाम अवसरों पर देखा गया कि राहुल गांधी की सभा में भीड़ तो बहुत आती है लेकिन उस भीड़ को वो वोट में तब्दील करने में हमेशा नाकामयाब रहते हैं। ये जो भीड़ दिख रही है बैंड बाजा बारात की, 80 कंटेनरों में जो बारात राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, यात्रा है भैया, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग उसमें क्या कर रहा है, आप नाम दे रहे हो भारत जोड़ो की, घूम रहा टुकड़े टुकड़े गैंग साथ में, कहीं बैंड बाजा ये सब अच्छे नहीं है। आप टुकड़े, अगर भारत जोड़ो यात्रा आप नाम दे रहे हो तो टुकड़े टुकड़े गैंग क्या कर रहा है अतवारा जी, कुमार जैसे लोग क्या कर रहे हैं, ये सब क्या बोल रहे हैं, उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग सदस्य क्या कर रहे हैं, जवाब चाहिए, उसमें क्या कर रहे हैं, आप तो बड़े बौद्धिक कौन है और उनके कौन से लोग वहाँ जैसे लोगों से यात्रा में क्या कर रहे हैं, आप अच्छा बोलते हैं कन्हैया कुमार, अगर कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य या नेता कर देता तो अभी तक गिरफ्तारों के जेल क्यों नहीं गए, और भी डिबेट किया, गिरफ्तारों के जेल क्यों नहीं गए, आपकी सरकार फेल है क्या, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन आपकी सरकार कर रही है क्या, बताइए ना कन्हैया कुमार अभी तक जेल क्यों नहीं गए, उनके खिलाफ चार्जशीट मामला क्यों नहीं हुआ, आप बताइए आपकी सरकार क्या टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है, आम आदमी पार्टी की सरकार कन्हैया कुमार को बचाने सब सारी चीजें आप लगता है सर्वविदित है, दिल्ली में पुलिसिंग किसकी है, पुलिसिंग हमारी है लेकिन विधि विधि की जानकारी के पास अभी अभी जानकारी कर लीजिए, जेल में जेल मंत्री उनका मसाज करा रहा है, आप हमें पुलिसिंग के बारे में बता रहे हैं, विवेचना कौन करेगा, चार्जशीट कौन दाखिल करेगा, विवेचना कौन करेगा, सरकार कौन खड़ा करेगा, सरकार की तरफ से कौन खड़ा करेगा, आप अधिवक्ता होते ऐसी बात कर रहे हैं, ये सरकार हमारी है, जेल मंत्री उनका मसाज करा रहा है, नाबालिग से बलात्कार के आरोप से, अब आप हमें बताएंगे भाई के बारे में, साफ साफ
भारत बाद में जोड़ ला, पहले कांग्रेस जोड़ लो, पहले कांग्रेस जोड़ लो। गौरव जी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की जेल में राठी की हत्या हुई, जेल में रिवॉल्वर कहाँ से आई? आप तो क्या उस अपराधी के मारे जाने, उस अपराधी से सहानुभूति है जो मारा गया, उस मुद्दे को उठा रहे हैं आप? क्या उस अपराधी के मारे जाने से आपको सहानुभूति है? क्या उस अपराधी के मारे जाने से आप प्रसार है? क्या अपराधियों के साथ कांग्रेस का हाथ है? क्या अपराधियों के साथ कांग्रेस का हाथ? क्या अपराधियों के साथ कांग्रेस खड़ी है? अपराधियों के इस तरह के बहुत पे अगर आप बहुत दुखी है, ये माना जाए कि कांग्रेस प्रवक्ता को माफियाओं के बहुत सहानुभूति है, अपराधियों से सहानुभूति है, गुंडा बजरंगी के साथ कांग्रेस खड़ी है, ये बताना चाह रहे देश को आप? तो बार बार कहते हैं अपराधियों के साथ छात्र है कुलदीप शेखर, हमने तो पार्टी निकाल दिया, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हो चुके, बताइए ना, निकाल दिया, निकाल दिया पार्टी से, आप ही के विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हो चुके, आप क्या बात करेंगे? जिस तरह से कांग्रेस आतंकवादियों का टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन ले रही है, आखिर भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार क्या कर रहे हैं? भ्रष्ट हो जाती है, आज तक आरोपी पकड़ा नहीं गया, उसकी विवेचना आगे नहीं बढ़ी, तो क्या मुख्यमंत्री जी उस आतंकवादी के साथ खड़े हैं? जब आपको नहीं विषय मालूम, उसमें इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ गई, उसमें विषय क्लियर हो गया, बिल्कुल उसके बाद उस दौरान पाउडर कौन लेके आया बताइए आप? वो सारी जांचें आ चुकी है, सारी जांचें आ चुकी है, एक बात जरा पूछ, आप बताइए कन्हैया कुमार क्या कर रहे हैं भारत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक प्रश्न पूछ लें। बोले 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 गौरव जी, पूछे 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 भैया पूछे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सम्मानित प्रवक्ता हैं, इनसे सिर्फ इतनी एक बात पूछ लें कि क्या जेल के अंदर लोगों को ले जा करके मरवाने का उपक्रम भारतीय जनता पार्टी करेगी? क्या यही लोकतंत्र है? जेल के अंदर डिटेन करना ये जुडिशरी का काम है, ना तो सरकार का काम है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अब ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं तो उसका पक्ष ले रही है, इनको तो दुख व्यक्त करना चाहिए कि अगर जेल में कोई चाहे अपराधी हो अथवा फिर अपराधी ना हो, वो कोर्ट का काम है, लेकिन इनका काम नहीं है। ये कहें कि हमसे गलतियां हुई, जितने भी लोग जेल के अंदर मारे जा रहे हैं वो दुख हो रहा है, इनको दुख व्यक्त करना चाहिए, इनकी इनकी सरकार फेल है ये कहना चाहिए, इनको ये कहना चाहिए कि हमारे यहाँ दिक्कतें हैं, जेलों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, और ये मामला विदेश तक उठा था, जब जेलों में यूपी में हत्याएं शुरू हुई तो इस मामले को फॉरेन में भी, यूरोपियन कंट्री से लेकर एशियन कंट्री में भी उठाया गया। वो तो आदम खा भी चाहते हैं मामले लेकर कि इन लोग हैं, और आज 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 बदजुबानी में सजा पा गए हैं। ये तो समाजवादियों का बहुत पहले पुराना शकल है। आदम खा भी बीच बीच में जो भाग जाते थे छुट्टी लिखते थे इन लोग को, ये आदम खा का पुराना शकल है ये समाजवादियों का। क्या बोला आदम खा वाले, क्या बोल रहे हैं? आज बदजुबानी में सजा हो गई। देखिए ये समाजवादियों का पुराना शकल है तुम्हारा जी। अच्छा। आजम खान भी खूब चिट्ठी लिखते थे इवन लोग को। अच्छा। अब बदजुबानी में सजा हो गई, अब नहीं कुछ बोल रहे हैं। हाँ। तो ये सब तमाशे बहुत पुराने हैं। देखिए मेरी मैं इस विषय पे, देखिए कोई अपराधी जेल में दूसरे अपराधी के साथ उद्योग मारा जाता है, उससे कोई सहानुभूति ठीक है, वो काम पुलिस का है, इसमें सरकार नहीं कहीं से आती है, सरकार की है, बिल्कुल सस्पेंशन हुआ है, बिल्कुल सस्पेंशन हुआ, पता कर लीजिए, बिल्कुल हुआ है। चलिए ठीक है, जेल हटाए गए, ठीक है ठीक है। हमारे बेट पे का मिसाइल जुड़ गए, बेट मिश्रा जी थोड़ा लेट आए, दुरुस्त आए। अरे भाई बिल्कुल खतौली में भाई, इस समय आपका प्रत्याशी है, आपका सपा का मदन भैया, और यहाँ पर योगी जी भी गए थे और वहाँ पर सभा करके आए, मुख्यमंत्री जाते हैं सभा करके आते हैं, कहते हैं तालिबानी सरकार पहले रही है, और वहाँ पर इस बार कमल ही खिलने वाला है,
चाहे मैनपुर की बात हो, चाहे रामपुर की बात हो, चाहे खतौली की बात हो। खैर पहले भी 22 में चुनाव वहाँ पर बीजेपी जीती थी, विक्रम सिंह सैनी, अभी हाल में ही उनकी सदस्यता रद्द हुई है सजा होने के बाद। मैं कैसे देखते हैं वहाँ पर स्थितियों को? देखिए गौरव जी, जी खतौली रामपुर दोनों जगह एक ही जैसे प्रकरण में इन लोगों को सजा हुई और इनकी सदस्यता रद्द हुई। ठीक, दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, खतौली चुनाव प्रारंभ होने के पूर्व हमने कहा था कि सरकार बताए कि इस वर्ष गन्ने का मूल्य क्या है। अच्छा, और इसके लिए हमने यहाँ आंदोलन भी चलाया और पंचायत भी की। बिल्कुल चलाया, लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी आज खतौली में थे, मैं भी खतौली में हूँ जी, उन्होंने आज भी गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की। ठीक, तो हमारे पास किसान का मुख्य मुद्दा है जिस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी अपने को दूर रखती है। अरे ये कैसी बात है, दूर रखते हैं क्या आप लोग? तो इसलिए, और अगर दूर नहीं रखती तो मैं तो आज कह रहा हूँ और अभी कह रहा हूँ कि सरकार ये बताए कि वर्तमान जो 23 सत्र चल रहा है उसमें गन्ने का मूल्य क्या है। पिछले वर्ष तो विधानसभा चुनाव थे, 26 सितंबर को गन्ने का मूल्य घोषित हो गया था। बिल्कुल हुआ था, लेकिन इस वर्ष क्या कारण है कि सरकार गन्ने का मूल्य घोषित क्यों नहीं कर रही है बार बार मांग करने के बावजूद? क्यों समर्थन मूल्य घोषित नहीं कर रही है? ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। अच्छा, नौजवान विरोधी सरकार है जी, कर्मचारी विरोधी सरकार। परिणाम क्या होने वाला है, परिणाम बताइए, क्या लगता है? परिणाम यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन चुनाव जीतेगा। अच्छा, ये बिल्कुल यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। अच्छा, और रामपुर मैनपुरी में, राम मैनपुरी में गठबंधन चुनाव जीतेगा। अच्छा, और रामपुर में गठबंधन चुनाव जीतेगा। अच्छा, अब ये चुनाव को थोड़ा सा मतदाताओं को हमारे हतोत्साहित करने के लिए प्रशासन का सहयोग ले रहे हैं, लोगों को डराने धमकाने का काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतदान रूप से लोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जनादेश आएगा। अच्छा, ये बिल्कुल इस बार तय है गौरव। अच्छा, अच्छा, ऐसी बात मेरे ख्याल से आजमगढ़ में रामपुर में भी कही जा रही थी, वहां जनादेश उल्टा हो गया। देखिए रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव में, हाँ, और वर्तमान समय में खतौली रामपुर और मैनपुरी के चुनाव में भिन्नता है। भिन्नता है, ठीक है, भिन्नता है जी। इसको उस आईने से गौरव जी नहीं देखा जा सकता, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी। बिल्कुल, आप इसका मूल्यांकन, उन चुनावों की बात अलग थी, इस चुनाव की बात अलग है। देखिए यहाँ पर जो हमारा गठबंधन है, सपा प्रमुख मैदान में है यहाँ पर, दोनों तीनों जगह देखिए भिन्नता है जी, प्रमुख मैदान में है और यहाँ पे वो मुलायम सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। अच्छा, और उनसे वो सीट रिक्त हुई है, तो डिंपल जी वहाँ चुनाव जीतेंगी। अच्छा, ठीक है, ऐसा हमें विश्वास है। तो रही बात तो जो खतौली और रामपुर की, तो वहाँ पर गठबंधन का प्रत्याशी बहुत मजबूत है। अच्छा, और इसके पूर्व में भले ही खतौली में हम चुनाव हारे थे कुछ मतों से, लेकिन इस बार हमारी जीत होगी, ये बिल्कुल हमें पूर्ण विश्वास है। एक सवाल और जल्दी उसका जवाब दीजिएगा, यहाँ पर सतपाल सिंह यादव प्रसपा प्रमुख के श्रेणी जो है सुरक्षा की वो कम कर दी गई, जेड से 22 हो गई, पहले 22 लोगों का समूह था उनकी सुरक्षा के लिए, अब 11 बचे हैं। इसके साथ साथ कहा जा रहा है सीबीआई भी जांच करने वाली है, बंगले पे भी कार्रवाई की बात कही जा रही है, हालांकि सूत्र यही बता रहे हैं अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। तो ये इसको कैसे देखते हैं? बेबी भाई बोल रहे हैं सतर प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत यहाँ पर कार्रवाई होती है, थोड़ी ना है कि ये चुनाव वहां पर हाथ मिला लिया है भतीजे से, इसे कार्रवाई कर रहे हैं जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जब लगा और सबको ये पता चला कि अखिलेश जी के और शिवपाल जी के बीच में कुछ दूरियां हैं, अच्छा, तो उस खाई को और गहरा करने के लिए इन लोगों ने उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी और उनको एक बड़ा सा बंगला दिया ताकि वो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सके और उनका कद बढ़ सके। अच्छा, ताकि समाजवादी पार्टी कमजोर हो। अच्छा, लेकिन अब इन्होंने ये देखा कि शायद ये उस मकसद में कामयाब नहीं है,
तो अब ये उनसे बंगला भी ले लेंगे आने वाले समय में और उनकी सुरक्षा ये तो, ये तो कह रहे हैं वो पेंडुलम हो गए और फुटबॉल की तरह यहाँ वहाँ हो जा रहा है, इतना कहने के लिए अपमान हुआ है। ये स्वतंत्र है, अच्छा पेंडुलम नहीं हो गए हैं, वो उस परिवार के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, बिल्कुल, और उनका उस परिवार में सम्मान है। सभी के परिवारों में कुछ बिंदुओं पे मतभेद होते हैं, बड़ा परिवार है, राजनीतिक परिवार है, वो बातें निकल के बाहर आती हैं। हम सबको पारिवारिक मसलों से अपने को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है विवेक भाई, ठीक है। दूसरी चीज मैं एक बात और गौरव जी जोड़ दूं, बोल दीजिए। रही बात रिवर फ्रंट के घोटाले का मामला, रिवर फ्रंट का घोटाला जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि रिवर फ्रंट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। ठीक बात है, अगर घोटाला हुआ है उसकी जांच हो रही है, तो ये 5 वर्ष पूरे व्यतीत हो गए, उसकी जांच पूर्ण करके किसी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर पाए। अब जब शिवपाल जी अपने परिवार के साथ जुड़ गए तो इन्होंने पुनः वही फाइल खोल करके और फिर डराना धमकाना शुरू किया। अच्छा, ये तरीका ठीक नहीं। अगर कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, इसके लिए सरकार स्वतंत्र है। ठीक है ठीक है, लेकिन उपयोग के आधार पर सीबीआई का या विजिलेंस का इस्तेमाल नहीं होना ठीक है। विवेक भाई 5 वर्ष कह रहे हैं, 5 वर्ष आपने कुछ किया नहीं, और जैसे ही वो आप जुड़ गए तो आपने शुरू कर दी कार्रवाई, क्या तरीका है भाई? जांच का आदेश देना सरकार का काम है, जांच का काम एजेंसी का है। बिल्कुल, जो ये मित्र हमारे कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये असत्य है। हाँ। उसमें तमाम अधिकारियों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, जांच आगे बढ़ रही है जी। अब जिस का नाम उसमें आता जाएगा उनके गिरेबान तक एजेंसियों के हाथ पहुंचेंगे, तो इसको इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए। सिंचाई मंत्री थे, उन तक भी जाएगी जांच, अधिकारी फंस गए, सिंचाई मंत्री अब फंसाए जा रहे हैं। जैसे जैसे सिंचाई मंत्री तो पहले दोषी थे, तो उनको तो पहले पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई क्या तरह, जैसे जैसे नाम आता था वैसे जांच। अगर नाम उनका आया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी ना, उनकी तो आपने सुरक्षा बढ़ा दी और उनको आपने मकान दे दिया, तब उनको आपको अपराधी दिखाई नहीं दिए। और जब वो आपने देखा कि अब अखिलेश के वो साथ चले गए हैं, समाजवादी जवाब दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की योजना रचना फिर बना रहे थे। अरे फिर भाई श्रीवास्तव ठीक नहीं है। विवेक प्रकाश जी, विवेक भाई जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लीजिए। मुलायम सिंह यादव जी को अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उतारा, जिस तरह से उनकी झड़प हुई थी शिवपाल यादव की मंच पर, आगे ये था कि कहीं शिवपाल यादव के ऊपर हमला ना हो जाए। समाजवादियों के द्वारा शिवपाल पे हमले का अंदेशा था, वो उस तरह की फुटपाथ यहाँ विक्रमादित्य मार्ग पर साफो साफ देखी गई। ऐसी स्थिति में उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, जुड़ गए तो सुरक्षा क्या जरूरत जी। अतवारा जी क्या बोल रहे भैया? अतवारा जी बोलिए। अतवारा जी ये बोल रहे हैं कि अभी तक तो ये कह रहे थे कि एजेंसियों का विषय है। हाँ। और एजेंसियां तो इच्छा करेंगे और कौन करेगा? आप ही बता दे रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं कि समाजवाद, ये बात जो हम बता रहे हैं, यादव जी को डर था, यही सब इच्छा एजेंसियां भी करेंगी। जिस तरह से दोनों गुटों में झड़प समाजवादी मार्ग में देखी गई, इसका संज्ञान एजेंसियां भी लेंगी। क्या 2022 फीडबैक थोड़ी आता है? साथ में चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय समाजवादी मार्ग पे जिस तरीके की झड़प देखी गई, उसके बाद सरकार की एजेंसियों ने बता दिया कि शिवपाल कोई कार्रवाई रुकी, कार्रवाई चलती रही, जांच होती रही, लोग गिरफ्तार होते रहे, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी बड़े लोगों के नाम आएंगे उन पे कार्रवाई होगी। इसमें किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। चुनाव तो देश में रोज चलते हैं, क्या चुनाव के दौरान एजेंसियों के दफ्तरों में ताले लगा दिए जाए? कार्रवाई करेंगे करेंगे करेंगे, आपको लगता है कि शिवपाल जी मेरे पाले में आ जाएंगे या मेरे साथ जुड़ जाएंगे, तो आप उस कार्रवाई को ढीला करते हो और जवाब से दूर जाते हैं, तब आप कहते हो कार्रवाई करेंगे। तो आपको कार्रवाई करनी है तो वो आपसे जुड़े, आपका हो, हमारा हो, किसी का हो, अगर कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे कम खम के साथ उसके साथ खिलाफ कार्रवाई करिए। उसके बाद भाई बेबे भाई कह रहा है तुम्हारा जी कि उनको डर था अखिलेश यादव हमला ना कर दे उनके ऊपर, इससे सुरक्षा जेड श्रेणी की दी गई थी, अब 22 श्रेणी की हो गई, अब मिलाप हो गया है, इसे हमला नहीं होगा, ये कह रहे हैं। पहले तो ये बताइए
मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई को तो पूछताछ इसके पूर्व में कर लेनी चाहिए थी। अच्छा। और श्रेणी की सुरक्षा देने की क्या जरूरत है? सबको बुलाएगी सीबीआई। वो कह रहा है अब तक बार बड़ी सबको आया सीबीआई बुलाएगी। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप भाई। प्रदीप जी भाई क्या कहेंगे भाई यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर संघर्ष, और आपने तो कह दिया कि हमने तो बेहतर ही करने के लिए यहाँ पर सपा को जगह दी है कि भाई लड़े, खुल के लड़े। नौजवानों का, नौजवानों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरीके से किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा है, और जिस तरीके से आप लाल आर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश फेल है, बेरोजगारी के मामले में आज डबल नंबर पे अपराध के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में ये ऐसी स्थिति हो कि हाँ, कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक संदेश जाना चाहिए कि सरकार के खिलाफ जनता में जो गुस्सा है उसका परिणाम सामने आना चाहिए। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें जो बात जानकारी केशव मौर्य जी को थी और वो प्रवक्ता जी को अभी स्टेटमेंट पहले कुछ और था, अभी अब स्टेटमेंट मैंने वही बयान किया कि एजेंसियां समीक्षा करती हैं। नहीं नहीं, खतरा नहीं बयान आया कि सरकार क्या करेगी, हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी पूरे सड़क पे मार दौड़े तो उसमें सुरक्षा दी गई, जांच अभी जांच करेगी और सुरक्षा घटा दी गई। अच्छा, ये बयान है भारतीय जनता पार्टी भाई। आप विवेक भाई बोल रहे हैं, उनको समाजवादी पार्टी के लोग माने तोड़ रहे थे इसलिए बचाया हमने, अपमाने तोड़ रहे थे इसलिए बचाया। अच्छा, अरे अरे भाई, ये इतना समाजवादी पार्टी से क्यों चिंतित है? अच्छा, आप बताइए, जब वो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे तो आप जिन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों रोकी, इसका तो जवाब दे भाई। कहां कार्रवाई रोकी गई? कार्रवाई तो चल रही है, कार्रवाई नहीं रोकी तो जेल जा रहे हैं, कार्रवाई रोक गई। अब आपका कार्रवाई क्या करूं? और एक साल आपकी ये सरकार हो गई, आप कार्रवाई की कार्रवाई नहीं कर पाए, तो आखिर किस बात का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? अपनी जानकारी ठीक है, बोलिए बेप्रकाश जी। बेप्रकाश कि सरकार गन्ने का मूल्य कब घोषित करेगी, ये हमको बताया पहले प्रवक्ता जी, हमारे जो मित्र हैं वो बताया कि आखिर सरकार गन्ने का मूल्य क्यों नहीं घोषित कर रही है, किसानों के साथ ये छलावा क्यों किया जा रहा है? सरकार ने कहा था कि हम आपको मुफ्त में बिजली देंगे, इनके घोषणा पत्र में है, ये मुफ्त किसानों को बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके यहाँ तो बिल भेजे जा रहे हैं। ये सरकार जो दोहरा मापदंड अपना रही है, सूचना के दौरान क्या सरकार गन्ना मूल्य घोषित करने की स्थिति में? मित्र प्रकाश जी, आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता होकर ऐसी बात कर रहे हैं? भाई बताओ ना, तो आप भैया गन्ने का मूल्य बता दो ना, बिल्कुल, आज बिल्कुल घोषित करेंगे, चुनाव निपट जाने दीजिए, करेंगे घोषित, चुनाव के दौरान कैसे घोषित कर दे? नहीं, चुनाव से क्या पहले तो गन्ने का मूल्य आपने चुनाव के पहले घोषित कर दिया था, और अब की बात सूचना जारी थी क्या उस समय करोगे? और सूचना जारी थी क्या उस समय? चुनाव के बाद कहाँ से अपडेट होकर अपडेट होकर बैठ जाते हैं? घोषित कर दिया था आपको अपडेट रखा करिए। चुनाव सूचना जारी है, चुनाव चल रहा है, इस दौरान नहीं घोषित हो सकता, चुनाव संपन्न होने के बाद कर देगी सरकार। लोकदल तो लगातार मांग कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय लोकदल कराई सत्र प्रारंभ करने के एक माह पूर्व गन्ने का मूल्य घोषित होता रहा है, ये परंपरा रही है। और पिछले साल आपकी सरकार ने घोषित किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, ये मैं आपकी सरकार की बात बता रहा हूँ। तो वर्तमान समय में नहीं लगी थी चुनाव से पूर्व का समय था, आप अपडेट होकर बैठा करिए जी, आप अपडेट नहीं रहते हैं। मैं अपडेट हूँ खुद जम के, अपडेट नहीं रहते हैं, मैं खुद जम के अपडेट हूँ। अगर अभी आपको जांच की खबर नहीं है तो बता दीजिए, रिवर फंड घोटाले में जांच कहाँ चल रही है? आपको मालूम ही नहीं कोई गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ? आप कह रहे जांच रुक गई, जांच बंद हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पहले अपडेट हो लिया करिए, कब बैठा करिए डिबेट में? अरे बिल्कुल अपडेट हो लिया करिए भाई, करोगे छह साल जी बोल रहे हैं, ये एजेंसी का काम है, जांच का आदेश देना सरकार का काम है, जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, जैसे जैसे बड़े नाम आते जाएंगे वो भी जेल जाएंगे। अभी तो सिंचाई मंत्री से बात हो रही है, आगे तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे एजेंसी, क्यों परेशान है आप? किस बात का पेट में दर्द हो रहा है आपको? आपने को मना किसने किया है? आप चलने दीजिए, जांच अपना काम करेगी, एजेंसी अपना काम करेगी,
आप बिल्कुल आप खतौली चुनाव लड़ा वहाँ बात करिए, अन्नामूल समय में घोषित हो जाएगा, ठीक है, चुनाव सूचना के दौरान नहीं हो सकता। लेकिन ईमानदारी से आप जांच तो करिए, हमारा काम नहीं जांच करना है, यहाँ पर जांच में ही भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार, पीडब्ल्यूडी में अभी जो हुआ है आपके ट्रांसफर पोस्टिंग में, उसकी कोई जांच आप कराओगे? किसी को कार्रवाई हो चुकी है प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है, यहाँ भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा और कोई काम वर्तमान सरकार नहीं करती है, केवल गुमराह करना आम नागरिक को, किसानों को, और अपने भ्रष्टाचार को छिपाना और दूसरे को भ्रष्टाचारी सिद्ध करने की कोशिश करना और डराना, ये काम जनार्दन होती आप छिपता नहीं है, कोई काम पब्लिक सब जानती है। ठीक है, ठीक है, अटवारी क्या बोले थे, जल्दी बोलिए, समय कम है, बोलिए। गौरव जी, 16 चुनाव हुए हैं, टोटल 18 चुनाव हुए हैं मैनपुरी में, जी 2 उपचुनाव हुए हैं और 16 आम चुनाव हुए हैं, जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक प्रश्न का जवाब हमें दिलवा दें तब खत्म करवाएंगे। क्या 18 चुनाव में जब से देश आजाद हुआ है तब से क्या एक भी चुनाव ये जीते हैं? भारतीय जनता पार्टी का मैनपुरी में खाता तक नहीं खुला है आज तक, बिल्कुल, ये हिंदुस्तान के इतिहास की बात मैं बता रहा हूँ। उस भारतीय जनता पार्टी का ख्वाब तो देखिए, आज तक जिंदगी में खाता नहीं खोल पाए, वो कह रहे हैं कि मैनपुरी का चुनाव जीतेंगे। अरे कम से कम अपना इतिहास तो पता कर लेते, जब आपको अपना इतिहास पता चल जाएगा तो मैनपुरी का दावा आप छोड़ देंगे। अतवारा जी, हम 2 सीटों से यहाँ तक का सफर करते पहुंचे हैं, हम मैनपुरी भी जीतेंगे, नहीं जीते इस बात की गारंटी नहीं है, आगे जीत के दिखाएंगे मैनपुरी, इसी लोकसभा के उपचुनाव में जीत के आएंगे, ये नोट कर लीजिए। 2,000-3,000 वोट पाता था, 14 साल तक आप बनवास काटे थे, आप कहां रहे थे 14 साल? बिल्कुल काटे थे, लेकिन हम लोगों ने रचनात्मक कार्य करके जनता के बीच अपना स्थान बनाया है, बिल्कुल नहीं, हमने जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है, रचनात्मक विपक्ष की रचनात्मक भूमिका निभा करके जनता के दिलों में स्थान बनाया है। आप ये दीवा शब्द मत देखिए, आप गेरी लाल के हसीन ये सपने आप हो सकते हैं, ये अहंकार आपको हो सकता है, इसी अहंकार में आपकी रामपुर की लोकसभा गई, आजमगढ़ की लोकसभा गई, मैनपुरी जाने वाली चिंता मत करिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समाजवादियों के आंदोलन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा थी बयानों की, यहाँ चर्चा थी चुनाव की, चर्चा थी रणनीति की, और चर्चा थी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की, आरोप और प्रत्यारोप। भारतीय राजनीति में फिलहाल समय व्यवस्था यही चल रही है कि आरोप लगाइए और प्रत्यारोप भी करते रहिए। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे मैनपुरी का हो, चाहे रामपुर का हो, चाहे खतौली का हो, क्योंकि इन चुनावों में यहाँ पर सपा और भाजपा दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मैनपुरी में खास तौर पे पारंपरिक सीट रही है, अब तक बीजेपी वहाँ जीत नहीं पाई है। खैर, अब मैनपुरी में चुनाव का परिणाम क्या होगा, आने वाले समय में निकाय चुनाव भी हैं, 24 चुनाव भी हैं, और रणनीति और आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहेंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है इन बातों के बीच जनता के मुद्दों को क्या, जनता के संघर्ष का क्या, गरीबी के क्या, बेरोजगारी के क्या, और विकास की बातों का क्या। जनता जनार्दन है, आगे भी जनाधार देती आई है, आगे भी देगी, पर निश्चित रूप से चुनाव में उसी पार्टी को जनाधार मिलेगा जो पार्टी यहाँ पर संघर्ष करेगी। संघर्ष न ट्वीट पर, संघर्ष न सोशल मीडिया पर, संघर्ष केवल धरातल पर, तभी प्रथा बदलेगी, नहीं तो जो स्थिति है वो चलती रहेगी और यहाँ पर चलता रहेगा आरोप प्रत्यारोप का दौर, क्योंकि देश हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और फिलहाल यहाँ की संस्कृति केवल बयानों की बची है। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे यानी गौरव सियासुद्दीन जी नमस्कार।